बसाए जगदम्बा मारी अर्द सुनो। कई ऐसाबू माखरणी जी ने भक्त जिन जिन टेम्र मैंने याद करी बिन टेम भक्तों ने तारिया। अब देखो फिर कैड़े भक्त रे ऊपर कृपा करे कहीं माखरणी जी की कृपा हुए और कहीं बात बन जावे। शेखो जी मुल तानरी कैत में अरे बाजी सारो ब्यान शेखो जी तानरी कैत में अरे घर बाजी सारो ब्यान हे भवानी घर बाजी सारो बन कर सांवली अरे पीठ पे बैठा ये करी ऊपर एक शक्ति रे रूप रे मायने विराजमान होया भूगड़गढ़ रा राव शेखोजिया माखरणी जी रा बड़े भगत था। और शेखे जी महाराज ने माखरणी जी रा वचन देवड़ा के शेखा कतई विपता आवे या आपकी आवे तो बिल जरूर याद करिया मैं थारा धर्म रा बहन बनपणार श्याय करा। राव शेखे जी कहो भाई है तुम्हारा भाई सही हो और जब कोई समय बतावे ना कि बचन को बिल जरूर बचन है। अब सरना आठी ने समय आ जाए कहीं मौली आ जाए कहीं ठीक आ जाए कहीं ठीका ठीक कहीं दाऊ ना ये चालती रहे तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान तो समय कहीं ओछी मोची आ जाए दारनों ने हिम्मत राख हिम्मत की कीमत हो और आप इष्ट पक्को राखना चाहिए। अब शेखो जी माखरणी जी रो इष्ट तो भगत होया के सुबह शाम उठता बैठता आठों पर माखरणी रो नाम रखता पग मेलता तो माखरणी जी रो नाम ले रहे आगे ने धरता। और अठी ने देखो राव शेखो जी मुल्तान गेवड़ा और केत्र मैंने बंद हो जावे और अठी ने करे बाई सारो ब्याह तो बेटी और बेटी रो ब्याह हुए और बाप घरे नहीं हुए जन बो ब्याह आछो नहीं लागिया करे तो सजना राव शेखोजी तो मुल्तान री कैद में घरे भाई सारो ब्याह अठी ने भाई सही याद करी और अठन शेखे जी ने जेल में बैठा बैठा ने याद आई के माँ करनी जी रा वचन केवड़ा होता के अब की आवे ने याद करी हमें आपकी है तेरी यार मायने बैठा यार इतनी मोटी जेल है मायने जद शेखो जी महाराज माँ करनी जी ने उन जेल में बैठा बैठा बड़ा भाव याद करिया आत्मा आत्मा याद करे नहीं करुणा करे करुणा कहने क्या करे आत्मा रोए दलडो को फाड़े आत्मा रोए और करुणा करे भी टेमरे मायने माँ करनी जी राव शेखे जी की करुणा सुनी और वैष्णो दरबार ने और ने मैंने बैठा बैठा करनी जी महाराज मन में विचार करियो ले भाई मारो आज शेखो है भाई अधिका देवता में तो सजना आतो हाथ माँ करनी जी राव शेखे जी की अरदास सुनी होता जी उठ पना और चिल्ल करो रूप बनावे हाँ सावली और पवन वेगरे द्वारा मुल्तान री कैद रे मायने पहुंचे तो बटे तो ठंडा पहरेदार सकते ही रो दरवाजे दरवाजे रे ऊपर
जद माखणी जी राव शेखी जी ने देखिया मन में विचार करियो शेखा जेल तो महाजेल है मन बिल जरूर थे मारा भाई हो और मैं थारी बाईशा हूं और थाने उंदरे रो रूप बनाऊ और मारी पीठ माथे बैठा हूं कई के पंजा में पकड़े तार जी पंजा में को नहीं मा तो 5 किलो रहा लया पार पड़े को नहीं हाँ कणी देश नो साउंड लगो और कोई कलाकार वहां चिरजा गवाया पर थाने बैठे रचारण कवि है जिका कहीं बात कहे कहीं बात फिर सुनो बिल जरूर हाँ माना लोग पंजे कहे लेकिन असली बात आ है बनकर सांवली और पीठ पर बैठा कर और पुगड़ गढ़ पहुंचा जगदम्बा मारी अरे जी सुनो हाँ इस वास्ते आ माकरनी जी की चिरजा है राव शेखे जी ने बड़े ऊंदरे रो रूप बनावे आर पीठ माते बैठा हूं लाग गया नहीं जन शेखे जी कहो थे तो मारा बाईशा हूं थारे पीठ माते थोड़ी बैठू के नहीं आज विपता है आर आज जगह और है बाकी बिल जरूर शेखा थे पीठ माते बैठना पड़ी और एक पलक आंख रो जफे नहीं जितने फुकल कर रहे कने ले जा छोड़ दे अठी ने बाईशा रो ब्याम चौरिया रो टेम हो और अठी ने माँ करनी जी राव शेखे जी ने ले जा और कुकड़गढ़ छोड़ दिया सगले बड़े भाव से ठहर लगाया बोलो चिल्लाई माता की जिगत नो चिल्लाई रो रूप तमरा रो कुल देवी होया हा जगदम्बा माँ करनी जी ने याद करिया चलो भैया कवि लिखे अरे गंगा सिंह तेरे रही रे मदद में अंग्रेजारीवा गंगा सिंह रही रे मदद में अंग्रेजारीवा देखा भी कि नाव कमायो है ज्यादा गंगा सिंह जी महाराज मां करनी जी का भक्त और अंग्रेजरो राज हो तो जाओ तो सो कियो और अपर बीकानेर मैंने गंगा सिंह जी शेर बजिया करता नाम बजिया करता और मां करनी जी का भक्त होता तो अंग्रेजा मन में विचार करियो रे सुनिया है कि बीकानेर दरबार का राव गंगा सिंह जी महाराज हो जाए आला तो करी परखा कहड़ा कि शेर है अपन शेर युद्ध करे ना करे अब बारो नाम तो गंगा सिंह जी महाराज शेर कहर बतला होता और अंग्रेज अगर ओरिजिनल शेर जना ये लो दरायो के भाई बीकानेर दरबार गंगा सिंह जी है जिका मारे शेर हूं अगर युद्ध कर ले और मारे शेर ने हरा दे तो फिर जरूर माना गवास्त्र में बीकानेर राजा गंगा सिंह जी है अब आठी ने तो देखो गंगा सिंह जी रो नाम शेर शेर नाम पुकारता सिंह होता और आठी ने अंग्रेज आदि का बा
शेर आप रोरी न लेपना राज जावे अरे लो दरवे के लो भैया अब मारो और शेर ऊपो है अरे ई शेर हूं युद्ध करे जद कवे गंगा सिंह जी रे रही मदद में अंग्रेजों री वार और अंग्रेजों में कपट रचायो जद सूतो शेर जगाए अब जो ही शेर ने छोड़ियो ओरिजिनल ने और अठी ने मां करनी जी रो नाम ले अपना गंगा सिंह जी महाराज खुद हाजी का भी शेर हाम ने युद्ध करियो तो एक हाथ दे दियो ऊपर ऊपर ले जबाड़े रमाई ने दूसरो दे दियो नीचे जबाड़े रमाई ने दो फाट कर अपनी बोला दी गोलो थारो शेर हमें तो लारो छोटो बैरिया हमें तो मानो जद मां करनी जी की असीम कृपा हुई सरना और गंगा सिंह जी महाराज भी ते मां करनी जी ने याद किया हे भगवती दिल जरूर आज बीकाने दरबारी लाज जाए एड़े एड़ा परचो चमत्कार का नहीं हो या जद कभी लिखे है और कहीं बात बने चलो भाई गरज कर आयो गंद पर रूप रयो घबरा सिंह गरज अरे आयो गंद पर अरे भूप रयो घबरा भवानी भूप रयो पीठ लारे करनी बोली जद सिंगड़े ने चीर भगाए जगतंबा मौरी अरद सुनो अभी भजनडा लेखक गणे गावनाल ने ठाकुर आटकल 1500 ही हिरकावे हां आठी माथो लाडो तो तारती कौन मना करे नहीं हला जे हां तो नोर तहसील रे मायने थाराणो गांव है और थाराणे रे मायने दलूराम जी ब्राह्मण आ शाश्वत मारो करनी माता री चेतवा बनावड़ी है और कहीं देखो करनी जी महाराज आगे अरदास करे कहीं बात बने देखो गांव थरानो अरे जातरो ब्राह्मण दल्लू राम कथ गाए गांव थरानो जातरो ब्राह्मण दल्लू राम कथ गाए भवानी दल्लू राम कथ सब भगता पर कृपा कर जो सब भगता पर कृपा कर जो रे मटरे करणी जी महाराज की मड़ देश नोग दरबार की ते मड़ा राय की
गांव थराणो जात्रो ब्राह्मण दलु राम कथ गाय सब भक्तों पर मेर राख जो थे मड देशाने री राय जगतम्बा मोरी अर्ध सुनो बोलो भगत और भगवान की जान नहीं पहुंचे रवि बा पहुंच गए कवि कवि की कल्पना है नी दिन सूरज बारे चंद्रमा जान नहीं पहुंचे रवि कवि।